Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So friends, आज मैं बहुत ही सज धज के पता नहीं कहाँ जा रही हूँ. आज जो है वो मेरी इंडियन फ्रेंड है, उसकी ना शादी काइंड ऑफ शादी है कि क्या है, प्रोग्राम है, जो भी है देखते हैं. तो आई एम सो एक्साइटेड. और उसने ज़बरदस्ती बोला, ज़बरदस्ती नहीं मतलब वो उसने असल में प्लान किया था कि सब ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आए, और कोरिया में ऐसे आदत नहीं है ट्रेडिशनल कपड़े पहनने की. सो चलते फिरते रास्ते में लोग घूर रहे हैं कि ये कहाँ कौन से फेस्टिवल में जा रही है ये लड़की. लेकिन उनको क्या पता ये पाकिस्तान या इंडिया के ट्रेडिशनल कपड़े ऐसे ही होते हैं, शलवार कमीज. सो दिस इज़ माई ड्रेस जो कि बहुत ही पुरानी सी है, मैं पाकिस्तान से लेके आई थी. लेकिन मैंने इस ड्रेस को ना ज़्यादा पहना नहीं है वैसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना आज हम इसको पहनें. तो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है दुपट्टे के साथ. और अभी बस मैं जल्दी जा रही हूँ. और मज़े की बात यह है कि मैं ना ऑलरेडी जिस स्टेशन में अभी जा रही हूँ ना, अभी ही 30 मिनट्स पहले, एक घंटा पहले उसी स्टेशन से वापस आई हूँ. क्योंकि जस्ट सिर्फ इस ड्रेस की वजह से मैं उसी स्टेशन गई थी किसी काम से आज, और फिर ना मुझे घर वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे कपड़े नहीं थे मेरे पास ट्रेडिशनल उस टाइम. तो मैं किसी और काम से असल में निकली थी, तो इसलिए मैं तैयार होकर नहीं गई थी. तो इसलिए ना अभी बस 30 मिनट्स में मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए, मेकअप किया, कपड़े इस्त्री किए और पहन के 30 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा रेडी हुई हूँ. और ये एक इम्पॉसिबल सी बात है 30 मिनट्स में तैयार होना एक लड़की के लिए, लेकिन आई डिड इट. तो चलो आज हम ना मेरे इंडियन फ्रेंड्स से मिलेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा एंड होप यू विल लव इट एंड इन्जॉय टुडेज इवेंट. और उम्मीद है मैं भी इंजॉय करूँगी. सो लेट्स गो. और हम सब में बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, जैसे इमोन और अनुपम, वो दोनों भी उधर आने वाले हैं. सो आप लोग अपने क्या कहते हैं बेल्ट्स वगैरह बांध के बैठ जाएं, जो हम प्लेन में बेल्ट्स वगैरह बांध के बैठ जाते हैं. तो जल्दी से आ रहा है एक धमाकेदार व्लॉग. मैंने ये खूसा जो है उसके साथ इसको पेयर किया है क्योंकि ये पूरा ही मैचिंग है. सो आई लव इट. और इमोन का स्टेशन सेम है, तो इमोन हम दोनों इधर से साथ में इकट्ठे जाएंगे एक साथ मिलके. और उधर देखते हैं कौन कौन आया है. आई एम सो एक्साइटेड. आर यू एक्साइटेड? इधर आओ. आर यू एक्साइटेड? यस. पागल. ये बाहर वेदर बहुत ही अच्छा है आज. और लेकिन मैं भाग भाग के आई हूँ, मुझे बहुत गर्मी हो रही है ऊपर से इतना तैयार होके. एनीवेज सी यू लेटर, बाय. चलो हम लोग ना लोगों का रिएक्शन लेते हैं कि लोग ना मुझे देख के क्या फील कर रहे हैं. यहाँ पे अच्छी जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर जाते हैं. लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पसंद नहीं आएगा हमारा गेटअप, लेकिन अजीब तरीके से देखते हैं. अजीब नहीं, नॉर्मल ही है किसी को देखना. लेकिन मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है या मैं कोई फनी तो नहीं दिख रही, लेकिन शायद ये नॉर्मल है अगर कोई देख रहा है. इमोन की ड्रेसिंग. इमोन पता है इतनी गर्मी है, गर्मी में ऐसे कपड़े पहनना, ऊपर से बाल खोलना, इस टू मच यार, बहुत गर्मी है. देखो इसके बाल ही नहीं. यहाँ पे हर कोई आप देखो मास्क पहनता है, मतलब कितने सारे लोग हैं. मतलब गलत साइड में जा रहा है, हमें इधर जाना चाहिए. हर कोई मास्क पहन रहा है. और आप नोट करो, कोई मुझे देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, ऐसा भी हो सकता है कोई नहीं देख रहा और मुझे खुद से ही लग रहा हो कि ना मुझे कोई देख रहा है. हमें कोई नहीं नोट कर रहा शायद ना, हर कोई इतना बिजी है. अभी ना हम लोग होंगडे वाले साइड जा रहे हैं, तो ये गंगनम की तरफ जाएगी ट्रेन और ये जाएगी होंगडे की तरफ, इवा तिहक्यो की तरफ. ये सब भाग भाग के आ गए है ना, भाग भाग के नहीं तो ये ट्रेन हमारी मिस हो जाती. तो फाइनली वी आर एट शिचो स्टेशन. और इतनी भूख लगी है क्योंकि दिन का खाना भी नहीं खाया, नाश्ता बोल रहे हैं, दिन का खाना वाना नहीं खाया ऊपर से, क्योंकि मैं पूरा टाइम बिजी थी, टाइम नहीं मिला था. सो लेट्स सी अभी कौन कौन आया है बाहर. अभी टाइम तो हो ही गया, 7:10 हो गए. लेट्स सी. बहुत रश है. कोई है? नो वन इज हियर. फ्रेंड तो नहीं था? चलो तो आगे. कोई भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है. हम लोग खुद 10 मिनट लेट हैं लेकिन कोई नहीं है इधर. हाउ इज इट पॉसिबल, देखते हैं. हाय अन्वेषा, सो शी इज द ब्राइड.
और इसकी शादी में आए हैं आज हम कोरिया में अन्वेषा की शादी हो रही है। प्लीज तुम लोग भी आओ, किस अजीब सा हो रहा है। नहीं, और ये इमान, ये सलमान फ्रॉम इंडिया, शी इज कोरियन एंड ही इज फ्रॉम इंडिया नीरज, एंड शी फ्रॉम इंडिया मनीषा। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मोनू का। और हम क्या करेंगे आज, क्या प्लान है तुम्हारा, क्या करोगी आज शादी के दिन? अब तो डिनर करेंगे, उसके बाद का देखते हैं सब लोग जैसे। और ये अन्वेषा की प्लानिंग थी कि हम सब अपना कुर्ता पहन के आए है ना, शलवार कमीज ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल। सो हमारे पास ये आप कुर्ता क्यों नहीं पहन के आए? इनका ये कोरियन स्टाइल कुर्ता। और बहुत ही गर्मी है, चलो सब लोग आ जाएं, फिर हम मैं मिलाती हूँ आपको सबसे। हम आए हैं पिज्ज़ा मॉल में, बहुत ही देर से आए, एक घंटा बाद भी हम आए पिज्ज़ा मॉल में। मोनू एग्जिट है, दिस इज पिज्ज़ा मॉल, यहाँ पे होता है बुफे स्टाइल। और अभी ना हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये जगह ना पूरी फुल है, तो दो दो चार चार लोग मिल रहे हैं बैठने के लिए, तो हम देखते हैं हम कैसे बैठते हैं। हम कहाँ बैठे, कहाँ बैठे हो? यस, लाइव जाएगा ये। चलो 79 पे हम बैठते हैं। सो दिस इज़ आवर सीट, थैंक यू। हम लोग ना इधर बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है कि सब एक साथ बैठे, सो हम सब ना अलग अलग हो गए। तो मैं और इमोन इधर आ गए। इमोन तुम्हें अपना बैग यहाँ पे रख रहे हो, गिफ्ट हम बाद में देंगे उसको, ठीक है? We have to wear mask. All the time. हमें हर वक्त मास्क पहन के चलना है, उन लोगों ने बोला है। This is our plate. I am so so hungry. Wow. हम लोग बाद में ना सारे रिकॉर्डिंग करेंगे। तुम अभी आते ही तुम मीठा खा रहे हो? I love sweets. Oh. मैं क्या खाऊं यार? पास्ता? पास्ता खा सकते हैं? Wow, jelly, noodles. ये क्या है? और इधर लिखा हुआ है सलाद, ये सारे काइंड ऑफ सैलड्स हैं। चलो हम लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे ड्रिंक्स भी है और सूप भी है इस साइड पे। और क्या है, मुझे ये लाइट्स बड़ी पसंद आई, बहुत अच्छी लाइट्स हैं यार। प्लीज़ जल्दी जल्दी जाओ आगे, बहुत भूख लगी। ये दो घंटे है ना ठूसना। सो दिस इज स्वीट पोटैटो कॉर्न चीज़, लेमन, आई लव चीज़। रिकॉर्ड कर रही है? हाँ, तुम्हारी शादी है ना, हम तुम्हारी शादी का खाना खाने आए। इमान इसमें भी डालते जा थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? फ्राइड अनियन, फ्राइज, टोप्पो की भी डालो। नहीं टोप्पो की छोड़ो, टोप्पो की नहीं खाना, डालो वाला थोड़ा। दुल्हन से बोलते हैं तो कैसे तू भी कर रही है, देखा ऐसे ही होता है वो ना, क्योंकि तोपो की होती है स्टिकी है। सो इट्स ओके, थैंक यू। और चाहिए? नहीं नहीं, बस बस। और क्या है, ये क्या है, मशरूम क्रीम रोसेटो, मशरूम से साइड में दो, साइड में थोड़ा थोड़ा दो ताकि मेरी प्लेट बहुत अच्छी लगे ना। और स्पैगेटी चाहिए मुझे, हाँ टोमेटो स्पैगेटीज थोड़े से। वाह वाह, तुमने क्या लिया, कहाँ गई तुम्हारी एक प्लेट थी, वो कहाँ गई? रख दी है। और क्या है, यहाँ पे है क्रेब पिलाफ, क्रेब पिलाफ, ये दो ना राइस थोड़ा सा। हाँ थोड़ा और, थैंक यू थैंक यू। और ये वाले राइस हैं हेम वाले राइस है, ये हम नहीं खा सकते हेम में। इसमें आई एम गोइंग टू टेक पिज़्ज़ा, और ये हमारी दो प्लेट्स हैं ऑलरेडी, बट स्टिल आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा।
मोनू बाय हाउ आर यू ठीक है सर ठीक हो अरे मस्त कोई दिक्कत नहीं है जब खत्म होने वाला तो पहले ले लो ले लो ये चाय खत्म ही हो जाता है क्या गोरगोंजोला पिज्जा और ये है हनी पिज्जा तो अभी ना यहाँ पे बोला था कि ना 9 बजे तक खाना ले सकते हैं लेकिन अभी 8 बज रहे हैं तो इसलिए ना अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि ना हमने बहुत सारा खाना ले लिया क्योंकि 9 बजे के बाद हम खाना नहीं ले सकते लेकिन 10 बजे तक बैठ सकते हैं यहाँ पे सो मैंने और इमोन ने जो लिया है एक साथ ही मिल के लिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है ये चॉकलेट केक है और ये शायद कुछ चीज़ केक लग रहा है पास्ता सलाद स्पैगेटीज और ये फ्राइड राइस है ये क्या है मिक्स्ड मशरूम और फ्राइज कॉर्न सैलेड ये हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पिज़्ज़ा हैं और माशाल्लाह से इमोन इंजॉय आम यार आम देखो इट्स अ मैंगो फ्रोजन आम है बहुत ही ठंडा ठंडा जितना उठाया उतना खा रही भाई क्योंकि एक होता है ना जब बुफे मिलता है तो हम बहुत उठा लेते हैं कि हम सारा खा लेंगे लेकिन इमान ने खाया बहुत और अभी हमारी प्लेट टेबल ऑलमोस्ट है ना इधर बुफे है तो इतना मतलब खाया बुफे में ऐसा होता है हम ना ज़्यादा उठा लेते हैं उठा लिया सारे हाफ 50% चला ही गया मुझे लगता है मुझे हम लोग इतना खाते ही नहीं इसलिए बुफे में आना हमारे लिए मेरे लिए लॉस है तो अभी ना हमारा बस ये फ्रूट बचा है और ये केक बचा है और यू वांट ड्रिंक कॉफ़ी चाय मैंगो खाओ पहले तो मैंगो बांग्लादेश में मैंगो है तो किंग है मैंगो का किंग पाकिस्तान किंग है मैंगो का हाँ आप लोग बताएं कमेंट्स में कौन सा कंट्री है मैंगो का किंग इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान मुझे लगता है तीनों कंट्रीज में मैंगो है बहुत तो लोग अभी खा रहे हैं वो लोग भी सब खा रहे हैं हम लोगों का खाली है फोटो है अभी हमने फोटोज निकाले हैं अन्वेषा ने बाकी सबको हटा दिया साइड में बोला सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस वाले ये जो एरिया है ना ये लंबे टाइम तक खुला हुआ होता है तो इसलिए यहाँ पे रौनक है हाय सीता दिस इज माय यूट्यूब ओह हाय शी सीता फ्रॉम इंडिया from India and she looks beautiful in sari thank you ye sab na we enjoy kar rahe and we can't drink so hum log aise hi aur yahan pe na korean gana chal raha hai har raat ko gana gaati hai main yahan तो फ्रेंड्स अभी ना पार्टी इज़ ओवर रात के 11 बज रहे हैं और अभी मैं घर जा रही हूँ आप देख सकते हो 11 बजे वी सेफ टू गो होम और ये पाकिस्तानी गर्ल घर जा रही है तो अभी ना इंशाल्लाह मैं आपसे ना मेरे स्टेशन में पहुँच के बताती हूँ और ये देखो कितना क्यूट है बिल्ली तो मेरे स्टेशन पहुँच के आपसे बात करती हूँ और आज बहुत ही मज़ा आया थैंक यू सो मच अन्वेषा फॉर इन्वाइटिंग मी और इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे एंड आप लोगों ने देखा कि कैसे हम गेट टुगेदर करते हैं मतलब इंडियन फ्रेंड्स और पाकिस्तानी लोग इंडियन लोग एक साथ तो ऐसा ये नॉर्मल है बाहर कंट्री में हम लोग ऐसे नहीं सोचते कह रहे ये इस मुल्क का है इस उस मुल्क का है हम बाहर कंट्री में ऐसी बातें नहीं करते हैं तो अच्छे से रहते हैं और ये वाले फ्रेंड्स इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमारे अच्छे ही फ्रेंड होंगे और इंशाल्लाह अन्वेषा को मैं फिर से इनवाइट करूँगी उसको वो बिरयानी याद है तो बिरयानी खिलाएँगे उसको जो कि मेरी फेवरेट है जो सिग्नेचर डिश जो मैं पकाती रहती हूँ ओह मैं बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ अभी घर से ही बात करते हैं बाय बाय